हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के ATS क्लासेस में। आज आपका 14 फरवरी और आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है फॉर्म भर दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है ALP की जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 20 फरवरी में है। तो आज आपका हो गया 14 फरवरी। तो आप लोगों को जैसे फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो उन सब में दिक्कत ना आए इसलिए आप लोगों ने फॉर्म जो है भर दिया होगा। तो इस टाइम जो है ना, अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा, ठीक है, उन लोग से मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी अभी जॉब प्रायोरिटी है तो आप जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को देख के इस टाइम फॉर्म भरे। बिकॉज़ क्योंकि भाई जिस तरह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है, तो इस टाइम जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये है कि हाथ में जो है जॉब होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देख के जो इस टाइम फॉर्म डालें, और जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं भाई मैं कम नंबर ऑफ़ सीटें में भी अच्छा कर लिया होगा, तो वो लोग तो फॉर्म ऑलरेडी डाल ही चुके होंगे। चाहे किसी बोर्ड में 30 सीटें हो, चाहे किसी में जोन में आपका मान लो 40 सीटें हो, तो वो तो डाले ही होंगे। तो अगर अभी तक अगर आपने डाले हो तो उस बेसिस पे डाल के, ठीक है, तैयारी करो। और जैसे कि जो आपकी ट्रेड वाली पेपर है, ठीक है, तो ट्रेड वाली पेपर के लिए बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स आते हैं अभी से, वो सारे लोग परेशान हैं। मेरे दोस्त, अभी से परेशान होना अच्छी बात है, बट उसको लेके अभी इतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेना आपको। अभी CPT 1 को जो है अच्छे से लेके आपको चलना चाहिए, ठीक है। CPT 1 में ही आप देखोगे कटअप जो है भागेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है तो भाई कटअप तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाना है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो इस टाइम पर। और जो CPT 2 के कुछ पार्ट्स तो कॉमन है ही, तो भाई मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पोर्शन जो है आप लोगों से मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूँ, वो वाला पोर्शन मैं करवाऊँगा, ठीक है। और बाकी लोग जो ट्रेड पेपर जिनका, जैसे मैकेनिकल में जो ट्रेड पेपर है, RAC मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और हीट इंजन, तो उनसे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करवाऊँगा। तो अभी नहीं, पहले आप CBT 1 दो अच्छे से दो, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हम लोग लगाएंगे। जो हमारा DGT जो साइट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पे आपकी सारे ITI ट्रेड पेपर जो है, सिलेबस वगैरह जो भी चीज़ है, क्वेश्चन पूछने किस तरीके से आता है, वो सारा चीज़ वो मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। और मेरे भी दोस्त जो है इंटरव्यू कंप्लीट हो चुकी है और कल मेरे को यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब कल आपका 15 फरवरी है, कल यहाँ से रिलीज़ करेंगे। तो उसका जो आपका नेक्स्ट वीक रहेगा जी, ठीक है, जो अगला जो वीक रहेगा, जो मंडे से फ्राइडे के बीच में, जब जैसे मेरा धनबाद डिवीज़न है, तो रिपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ पे पोस्टिंग भी कंफर्म हो जाएगी। और एक बार पोस्टिंग कंफर्म हो जाए तो दोस्त वीडियोस फिर रेगुलर आपकी क्लासेस वाली जो है वो भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग भी यार, मतलब मेरे पे एक तरह से बोलूँगा यार, 17,000 की फैमिली है, तो भाई आप लोग भी बहुत एक तरह से उम्मीद रखते हो कि चलो यार यहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा। तो यार मैं आप लोगों की उम्मीद पे ज़रूर खरा उतरूँगा, ठीक है, और जितना भी हो सके मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक लंबी ट्रेनिंग भी मेरी कम्प्लीट हो चुकी है। और जब JEE की वैकेंसीज आएगी उसके पहले जितने भी सारे ब्रांच है, ठीक है, उन सभी को दोस्त मेरे दोस्त जो है पोस्ट के बारे में एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट में क्या आपकी वर्क प्रोफाइल होती है। जैसे कि अभी आप अगर टेक्नीशियन में, जैसे कि BSc बेसिस पे जो आपका Grade 1 की जो भी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, तो उसमें BSc से फिजिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इन सब से BSc किया हुआ हो, या तो इन सभी बेसिक जो आपका स्ट्रीम्स है इनमें से अगर जिन लोगों ने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके रखा होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैकेनिकल साफ साफ जो दिख रहा, जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया था, दिख तो नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होंगे। और इलेक्ट्रिकल वाला भी होगा कि नहीं होगा, देखो वो डिपेंड करेगा जब वो 9 मार्च को वो एक डिटेल जब उस चीज़ को जारी करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त यही बोलूँगा, नहीं भरे हो फॉर्म भर दो, आप टाइम नहीं है मेरे दोस्त। और फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपकी अभी सिलेक्शन है तो आप ज़्यादा मत देखो, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को देख के भी आप इस टाइम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कि भाई मेरे लिए इस टाइम जो है प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जॉब है, ठीक है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में रखो, क्योंकि अगर नहीं रखोगे मेरे दोस्त, फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बार बार ऐसा नहीं आता है, टाइम बीतते चला जाएगा। और लाइफ अगर सेट नहीं करोगे तो यार बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सब सारा चीज़ से बचो, और ये आपकी का लाइफ है आपके हाथ में, क्योंकि आने वाली आपकी जनरेशन हो, उसको अच्छा एजुकेशन देना हो, अच्छा अगर हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना हो, तो
तो सारा चीज़ जो है ये आपकी आज की जो मेहनत है मेरे दोस्त उस पर ही ये करती है, मतलब डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग बोलते हो सर, मेरे को बोलते हैं यार कि अगर आप 20 बार बैठोगे LP में तो आपका भी नहीं निकलेगा। भाई मेरे, अगर मैं इस टाइम LP में बैठता तो हो सकता है मेरी कुछ अलग स्ट्रेटेजी रही होगी, निकलता या नहीं निकलता मैं ये सब सारी चीज़ें नहीं सोचता। मैं ये सोचता भाई मैं इस टाइम क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ जो बंदे इस तरह कमेंट करते हैं उनका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आता है भाई, कि ये आता है बंदा और ज्ञान देना अपना स्टार्ट कर देता है। भाई तो ज्ञान देने में आदमी का तभी मन करता है जब लगता है कि हाँ हम कुछ थोड़ा बहुत भी सीखे हुए हैं और चाहते हैं कि जो चीज़ गलती हम किए हैं अपने सीखने के जर्नी में वो कोई दूसरा ना करे, ठीक है। यही एक ज्ञान देने का पर्पस होता है, अदरवाइज अपन उतना भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। सारे बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो बस अपनी एक जो छोटी सी जर्नी होती है उस जर्नी में जो लोग कर रहे होंगे अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो उस जर्नी में उस टाइम जो है जो प्रॉब्लम्स हम लोग जो भी बंदे फेस करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से कैसे बचे, ठीक है। तो मेन उनका ये मुद्दा रहता है कि भाई वो उससे बचा कैसे जाए। बाकी अदरवाइज तो आप आपकी जर्नी चल रही है, आप खुद ही उस पर सफ़र करोगे, अकेले ही करना पड़ेगा, कोई इस टाइम जो है आपको हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। खुद का सावासी खुद ही देना है, और जिस दिन सफलता मिलेगी भाई मेरे, सबको पीठ थपथपाने आपके पीछे जो है वो जरूर आएंगे। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।